नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोरवाल एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन आर्मी में सर्विस करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का सेवंथ पे कमीशन के बाद में कितना बेसिक पे हो जाएगा। इस वीडियो में हमने कंसिडर किया है आपका जो सेवंथ पे कमीशन के अनुसार नया एमएसपी और ग्रुप एक्स पे जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के हिसाब से अलग अलग रेट से मिलता है, उसको कंसीडर करके आपका कितना बेसिक पे हो जाएगा सेवंथ पे कमीशन के अनुसार, वो हम सब इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। और वो हर एक रैंक के हिसाब से, यानी सिपाही से लेके जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है उस लेवल तक का, यानी जो ऑफिसर लेवल से नीचे वाले जो भी एम्प्लॉई हैं इंडियन आर्मी में, उन सब का बेसिक पे कितना हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि कितना बेसिक पे हो जाएगा हर एक जो इंडियन आर्मी में एम्प्लॉई है उसका। तो उसके लिए आपके सामने ये एक टेबल हम लेके आए, उस टेबल में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले पोस्ट है, उसके बाद में लेवल उस पोस्ट का एज पर सेवंथ पे कमीशन, फिर उसमें जो पे मैट्रिक्स में कितना उसका किस लेवल तक सैलरी रहेगा, बेसिक पे क्या हो जाएगा एज पर सेवंथ पे कमीशन और उसको एमएसपी कितना दिया जाएगा, फिर आता है ग्रुप एक्स ग्रुप पे एंड टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यदि आपके पास में किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो आपका जो एक्स पे कितना होगा, और नॉन टेक्निकल है उसके लिए एक्स पे कितना मिलेगा, और टोटल मिला के बेसिक पे कितना हो जाएगा आपका, वो भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए अलग अलग। तो इसलिए हमें हर एक कॉलम में यहाँ पे नंबर दिए हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 9 तक। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो टेक्निकल वाले में हमने 4, 5, 6 का टोटल करके जो वैल्यू आया वो, और नॉन टेक्निकल में जो 4, 5 और 7 जो कॉलम है उनका टोटल करके जो वैल्यू आया वो आपका होगा बेसिक पे। तो ऐसे करके ये हम आपको दिखा देते हैं एक बार, सिपाही से लेके यहाँ पे सब मेजर तक का जो बेसिक पे हो जाएगा वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और आपका जो बाकी अलाउंसेस है वो आपको दिया जाएगा इस बेसिक पे के ऊपर। मान लेते हैं एक बंदा सिपाही में अभी जॉब कर रहा है, तो उसका नया लेवल हो जाएगा 3 और उसका जो मिनिमम बेसिक पे है वो रहेगा 21,700 रुपये, और एज पर सेवंथ पे कमीशन उसका एमएसपी रहेगा 5,200 रुपये, जॉब से पहले लगभग 2,000 रुपये था। और यदि आपके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो वो आपको 6,200 रुपये हो जाएगी, और यदि आप बिना टेक्निकल क्वालिफिकेशन के हैं तो आपको मिल जाएगी 3,600 रुपये। और फिर टोटल मिला के यदि कोई बंदा टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाला है तो उसका बेसिक हो जाएगा 33,100 रुपये, और नॉन टेक्निकल वाले का हो जाएगा 30,500 रुपये। तो ये आपका हो जाएगा बेसिक। इसके ऊपर आप कैलकुलेट करना होगा आपको आपका जो डीए मिलता है वो, एचआरए, और तो डीए के लिए आप इसको कैलकुलेट इसको बेस मान सकते हैं बेसिक सैलरी आपका। और जो आपको एचआरए मिलेगा, एचआरए के लिए आपका ये सिर्फ जो है बेसिक पे इसको कैलकुलेट करना होगा। यदि आपको अपना एचआरए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिक पे रहेगा 21,700, और आपको यदि अपना डीए कैलकुलेट करना है तो उसके लिए बेसिक हो जाएगा आपका 30,500 रुपये। तो ऐसे करके हर एक पोस्ट का आप टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए अपना बेसिक पे देख सकते हैं। तो मेरे बोलने से अच्छा है आप खुद देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर हर एक बात दिखी जा रही है कितना बेसिक पे हो जाएगा। नायक का देख लीजिए, लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक रहेगा, और जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लेवल सेम है तो ग्रॉस सैलरी लगभग ग्रॉस बेसिक हो जाएगा उसका 36,900 और 34,300 रुपये। उसके बाद माता है हवालदार जो कि उसका लेवल 5 है, बेसिक पे 29,200 रुपये है, और जो एमएसपी और ये ग्रुप एक्स पे है वो सेम ही है सभी बिलो ऑफिसर रैंक के जो भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए आप उसका 38,000, 40,000, और नायब सूबेदार हैं उनको लेवल 6 में रखा है,
सूबेदार और सब मेजर, उनको लेवल 8 में रखा है और उनका जो बेसिक हो जाएगा वो 47,600 रुपये, 5,200 उनको MSP मिलेगी और 6,200 रुपये यदि टेक्निकल हैं तो उनको ग्रुप एक्स पे, 3,600 रुपये नॉन टेक्निकल ग्रुप एक्स पे मिलेगी। तो लगभग जो टोटल ग्रॉस बेसिक है उनका वो 59,000 रुपये हो जाएगा और यदि नॉन टेक्निकल हैं तो 56,400 रुपये उनका बेसिक पे हो जाएगा। तो ये वीडियो था आपके लिए जिसमें नई जो MSP है उसको और ग्रुप एक्स पे को कंसिडर करके आपका टोटल बेसिक सैलरी कितना होगा वो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इससे अगले वाले वीडियो में हम जो हमारे भाई बंधु हैं नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में, उनके लिए भी ऐसे ही हर एक पोस्ट के हिसाब से उनका कितना बेसिक पे होगा MSP को मिला के और जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एक्स वाई ग्रुप होते हैं उनके, उन सबको कंसिडर करते हैं उनका कितना बेसिक पे हो जाएगा, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आपको कोई डाउट हो और आपको लगता है कि कुछ और आप चाहते हैं तो वो हमें बताइए, जिससे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको एक बार फिर से धन्यवाद।